नमस्कार, स्वागत। तो कहा जी, कैसे हैं? लेकर के आ गए हैं एगो नया ब्लॉग फिर से। समय जो है अभी हो रहा है 6। हाथ धो के एकदम होटल से निकल गए हैं पूरा। सुबह में 5 ही बजे उठ गए थे और जा रहे हैं हम लोग विंध्याचल। तो फिलहाल तो घाट पे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे गोरौलिया चौक। गोरौलिया चौक से देखिए ऑटो पकड़ेंगे और ऑटो से जाएंगे रोडवेज। सीढ़ी है, रोडवेज जाएंगे और रोडवेज से जो है बस मिलता है, बस से हम लोग जाएंगे विंध्याचल। गोरौलिया चौक से जो था हम लोग निकले थे और ऑटो पकड़े और रोडवेज तो नहीं, हम लोग जो है ये बनारस का वाराणसी स्टेशन जहाँ पे उतरे थे हम लोग, वहीं पे आके फिर से पहुँच गए। यहाँ से लगभग 2 मिनट चलने के बाद ही रोडवेज पहुँच जाएंगे। रोडवेज से जो हम लोगों को बस मिल जाएगा विंध्याचल जाने के लिए। तो वहाँ पे जाके रोडवेज पे जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो रोडवेज पे देखिए बस लगा हुआ था और बस हम लोगों को मिल गया। बस के अंदर बैठ गए हैं और बस खुलने का जो है आप इंतजार कर रहे हैं। तो लीजिए, बस भी खुल गया है। अब बस बढ़ रहा है एकदम विंध्याचल की तरफ। नज़ारा जो है बाहर का देखने में पूरा कमाल का लग रहा है। चलिए नज़ारा का आनंद लेते हैं और सीधा विंध्याचल में उतर करके बात करते हैं। फाइनली जो है देखिए विंध्याचल का बस स्टैंड है, यहीं पर हम लोग उतर गए हैं। बस का जो भाड़ा था लगभग कितना, 1 आदमी पर 80 रुपये। हम लोग 2 आदमी थे हम लोग, 160 रुपये हम लोगों का लगा है। और अभी फिलहाल विंध्याचल बस स्टैंड पे हैं। विंध्याचल बस स्टैंड से जो है अब हम लोग मंदिर जाएंगे। तो विंध्याचल का बस स्टैंड से हम लोग जो वहाँ पे ऑटो पकड़ लिए और ऑटो से मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं। पीछे आप लोग देख ही रहे होंगे कि मंदिर का जो सामान होता है सब बिक रहा है यहाँ पे। ऑटो वाले ने 10 रुपये लिया और हम लोगों को जो है, हम लोग 2 आदमी थे तो 20 रुपये हम लोगों को लगा। 20 रुपये हम लोग जो है ये विंध्यवासिनी मंदिर, जो कि विंध्याचल का मुख्य मंदिर है, यहाँ पर हम लोग आ गए। विंध्यवासिनी मंदिर जो है हम लोग के एकदम देखिए पीछे है। पीछे आप यहाँ पीछे देख रहे होंगे, ये विंध्यवासिनी मंदिर है। पहले जो है यहाँ पर प्रसाद खरीदना पड़ेगा, फूल खरीदना पड़ेगा। चलिए पहले वही खरीदते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाने से पहले हम लोगों को प्रसाद लेना था और प्रसाद भी हम लोग ले लिए। प्रसाद दिखाओ। तो यहाँ पे 20 रुपये का फूल हम लोगों ने लिया और 20 रुपये का जो प्रसाद होता है कर लिया, ये सामने वाले दुकान से लिया। प्रसाद और फूल लेने के बाद अब मंदिर के अंदर जाएंगे। ये विंध्यवासिनी मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ लाइन में हम लोग लगे हुए हैं, देखते हैं कब तक हम लोग दर्शन को मिलता है। बाहर में ज़्यादा भीड़ नहीं था लेकिन मंदिर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत खतरनाक भीड़ है एकदम मंदिर के अंदर। अब विंध्य माता का जो झलक है थोड़ा थोड़ा देखिए दिख रहा है, आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा झलक दिखा रहे हैं। बाद यहाँ से निकलना पड़ेगा, 1 मिनट रुकने का जो है यहाँ पर जगह नहीं है। तो विंध्यवासिनी मंदिर से हम लोग दर्शन करके भी निकल गए हैं। टीका वगैरह लगा लिए हैं, हाथ में पहनने वाला जो होता है धागा वो भी ले लिए, हाथ में बांध लिए और अब यहाँ से निकलेंगे। तब तक के लिए जूता पहनते हैं जहाँ जूता रखे थे वहाँ पर और मिलते हैं आप लोगों से आगे जाकर। विंध्यवासिनी मंदिर में जो है दर्शन करने के बाद नहीं, बगल में ही एक चाय का दुकान है, यहाँ पे आके यहाँ पे चाय ले लीजिए और चाय का चुस्की ले रहे हैं। बड़ा आनंद आता है चाय पीने में। चाय पीने के बाद अब निकल गए हैं ऑटो खोजने के लिए। कहा कि यहाँ पे और भी मंदिर हम लोग को घूमना है और सारा मंदिर घूमने के लिए जो है ऑटो बुक करना पड़ता है। फिलहाल ऑटो में बैठ गए हैं और ऑटो में बैठ करके हम लोग जो जा रहे हैं काली खो की तरफ। काली खो लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर है। ऑटो से उतर गए हैं, अब पहुंच गए हैं। देखिए यही है काली माता का काली खो मंदिर। अब जो है अंदर जाएंगे, चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर आ गए हैं। अब पूरा जो मंदिर है एकदम शांत है। काली खो मंदिर के अंदर हम लोग दर्शन करने के बाद अभी तो मंदिर का जो एरिया है उसी के अंदर अभी फिलहाल हम लोग हैं। दर्शन कर लिए हैं लेकिन वहाँ पे कैमरा जो अलाउ नहीं था इसलिए थोड़ा सा ही हम लोग ले पाए। काली खो जो मंदिर है ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे तंत्र साधना सब किया था बहुत सारा और इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक रक्तबीज नाम का राक्षस हुआ करता था जिसका एक बूंद रक्त अगर धरती पर पड़ गया तो वहाँ से सैकड़ों लाखों करोड़ों दानव पैदा हो सकते थे। उसका वध करने के लिए काली माँ ने इस रूप का धारण किया और इसी कारण से यहाँ का जो मंदिर है ना, काली जी यहाँ पे जो है उनका मुख ऊपर की तरफ खुला हुआ है जिससे कि सारा रक्त जो था रक्तबीज का वो उनके मुख में ही गिरे, नीचे ज़मीन पर ना गिरे। कहीं जमीन पे गिरता तो राक्षस पैदा हो जाता बहुत सारा, इसीलिए काली जी का मुंह यहाँ पे ऊपर है। और एक और खास बात है, यहाँ का खास बात यह है कि
यहाँ पे जो काली जी है जिनका मुंह ऊपर की तरफ आसमान की तरफ खुला हुआ है, इसी कारण से वो काली खो भी कहते हैं, उनके मुंह में आप जितना भी प्रसाद डाल लीजिए, जितना भी प्रसाद, आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि वो प्रसाद जाता कहाँ है। पूरा चारों तरफ मंदिर के कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम पहाड़ी पार है, सुनसान इलाका है, बीच में काली खो का काली जी का ये प्रसिद्ध मंदिर है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे अष्टभुजा मंदिर दर्शन करने के लिए और आप लोगों को दिखाते हैं अष्टभुजा मंदिर किस प्रकार का है। काली खो से हम लोग अष्टभुजा मंदिर के पास आ गए हैं। यहाँ से जो है अभी तो फिलहाल चल रहे हैं और आगे जाकर के 200-300 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब जाके अष्टभुजी माता का दर्शन हो पाएगा। अष्टभुजा माता के मंदिर में आ गए हैं और अष्टभुजा माता जो है यशोदा मैया की पुत्री थी और जो कल जो राक्षस था इतना बड़ा, उनके हाथों से चमत्कारिक रूप से बच करके विंध्याचल के पहाड़ों में आ गई और इसी कारण से इनका मंदिर जो है विंध्याचल के पहाड़ के एकदम ऊपर में मंदिर है। तो आप लोग अगर विंध्याचल आते हैं तो अष्टभुजा माता का मंदिर आना एकदम नहीं भूलें। आधा सीढ़ी खत्म हुआ है, सांस ऊपर नीचे हो रहा है अभी से, अभी और सीढ़ी चलना हम लोगों को बाकी है, और सीढ़ी हम लोग जो है चल रहे अष्टभुजा मंदिर के अंदर अभी हम लोग गए थे, वहाँ पे भी कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए आप लोगों को वहाँ पे जो है नहीं दिखा पाए, थोड़ा शॉट लिए हैं वो आप लोगों को दिखा दिए हैं। और मंदिर के अंदर से हम लोग आ गए हैं, मंदिर जो अष्टभुजा जी का पूरा मेन जो मंदिर है वो गुफा समझ लीजिए, आपको बहुत झुकना पड़ेगा, बहुत झुकना पड़ेगा आपको, बहुत झुकने के बाद ही आप दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही पहाड़ पर, बहुत ही ऊँचाई है, पीछे आप देख रहे हैं अष्टभुजा मंदिर से विंध्याचल की पहाड़ियों का नज़ारा देखिए किस प्रकार का दिखता है। यहाँ से पूरा विंध्याचल देखने को मिल जाएगा। अब मंदिर का नज़ारा भी किस प्रकार का वो भी देखिए। अष्टभुजी माता का दर्शन करने के बाद अभी जो है फिलहाल हम लोग पहाड़ों की तरफ से, पहाड़ में जो रास्ता बना हुआ है वहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीता कुंड की तरफ। सीता कुंड, जब लंका से श्री राम लक्ष्मण जी और मैया सीता लौट रही थी तो मैया सीता को बहुत ज़ोर से प्यास लगा, जिसके कारण से श्री लक्ष्मण जी ने अपने तीर से यहाँ पर एक कुंड खोद दिया पानी पीने के लिए, तो उसी का नाम सीता कुंड पड़ गया, जो कि विंध्याचल के पहाड़ियों में है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीता कुंड की तरफ। सीता कुंड जाने वाला रास्ता में ये देखिए झरना हम लोग को देखने को मिला है, लेकिन क्या है कि झरना भी बह नहीं रहा है, कुछ सालों से नहीं बहता है झरना, पर झरना बह रहा होता तो बताइए कितना कमाल का एकदम नज़ारा होता। और यहाँ पे खाई भी है, सीरियल में देखते थे खाई, मूवी में देखते थे, आज असली में खाई देखने को मिल रहा है। ये आपको फोटो में वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गहरा खाई है, बहुत डीप है, जाने में भी वहाँ पर डर लग रहा है। आई देखिए सीता कुंड लिखा हुआ है, यहाँ से जो सीता कुंड है अब 100 मीटर का दूरी पे है। ये देखिए हम लोग सीता कुंड धाम के एकदम पास में पहुंच चुके हैं। तो देखिए यही वाला जो है यही सीता कुंड है, और सीता कुंड का पानी जो है कभी सूखता नहीं है, हजारों साल से पानी ऐसे का ऐसे ही है, एकदम फ्रेश पानी है। तो सीता कुंड आप लोग को दिखा दिया, सीता कुंड हम लोग भी देख लिए, वहाँ पे जो जल है सीता कुंड का ना एकदम औषधि युक्त जल है, पवित्र है, इतना सालों का पहले का है लेकिन फिर भी पवित्र जल है, तो वो जल हम लोग ग्रहण कर लिए और जल एक बोतल भर भी लिए। अगर आप लोगों से किसी को चाहिए होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, भेज देंगे जल घर, घर भिजवा देंगे और क्या। तो ये फिलहाल लोग सीता कुंड से निकल रहे हैं। तो देखिए आ गए हम लोग प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। ये जो मंदिर है ये लगभग 500-600 साल पुराना मंदिर है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर जा करके आप लोगों से बात करते हैं। अष्टभुजा माता का मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग सीता कुंड गए और सीता कुंड के बाद सीधा हम लोग आ गए हैं हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पे जो है त्रिकोण यात्रा का समाप्ति होता है। त्रिकोण यात्रा यानी कि अगर आप विंध्याचल आते हैं त्रिकोण यात्रा जरूर करें। त्रिकोण यात्रा में पहले विंध्यवासिनी माता का मंदिर आता है,
फिर आता है काली खोख माता, जो हम लोग सबसे पहले गए थे, और उसके बाद आता है अष्टभुजी माता का मंदिर, और उसके बाद फिर अभी हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिकोण यात्रा जो है ख़त्म हो गया और हनुमान जी का हम लोग दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से जो है और हम लोगों का जो मंदिर बसता है वहाँ हम लोग जाएंगे। फिलहाल जो है देखिए ऑटो में बैठे हुए हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी लाल भैरव जी का मंदिर के पास। लाल भैरव का जो मंदिर है वहाँ से दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं यहीं पे बगल में ही नागकुंड है। नागकुंड जो है बहुत ही फेमस है यहाँ पे, तो वही नागकुंड का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऑटो में झूला झूल रहे हैं क्योंकि रास्ता की स्थिति जो है यहाँ पे जितना ही अच्छा रास्ता बनारस में है उतना ही रास्ता खराब स्थिति इधर विंध्याचल में। नागकुंड के पास हम लोग आ गए हैं। देखिए नागकुंड की प्रगति है, शिव भक्तों का प्राचीन नागकुंड ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड में। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे नागकुंड, यही है विंध्याचल का फेमस नागकुंड। ये एकदम जो है अभी आप लोगों को दिखा ना लाल भैरव का मंदिर के एकदम सामने में ही ये वाला नागकुंड है, दिख रहा होगा एकदम बहुत ही बड़ा है। और नीचे में ये जो है कुंड है, कुंड तो फिलहाल अभी गंदा है, सीता कुंड जितना ही साफ था नागकुंड उतना ही अभी खराब स्थिति में है। तो ये नागकुंड है, सीढ़ी इसमें जो है एकदम खतरनाक दिया, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं कि सीढ़ी रहता है नहीं रहता, उसी प्रकार का यहाँ पे सीढ़ी है। इस नागकुंड को नागवंशी राजाओं ने लगभग 2500 साल पहले बनाया था, पता ही 2500 साल पुराना ये नागकुंड है, और यहाँ के लोग इसको बोलते हैं कि ये पाताल लोग जाने का रास्ता भी है। काली खोह भी देख के आ गए, अष्टभुजा मंदिर भी देख करके आ गए, और जितना भी सीता कुंड था देखना देख लिए, लाल भैरव का मंदिर देख लिए, और अंत में जो है नागकुंड भी देख लिया। अब यहाँ से हम लोग फिर जाएंगे सीधा विंध्याचल स्टेशन या बस स्टैंड जाएंगे, या तो ट्रेन से देखेंगे या फिर बस से जो है निकलेंगे दोबारा फिर से वाराणसी के लिए। कितना करके चाचा? 40-50। 20 वाला बनाइए पहले। नागकुंड से दर्शन करने के बाद वापस हम लोग विंध्याचल मंदिर के पास आ गए हैं। यहाँ पे देखिए क्या एकदम कमाल का चीज बन रहा है, नाम पता नहीं है लेकिन सोचे पहले खा के देखते हैं ये वाला, क्योंकि देखने में एकदम जबरदस्त लग रहा है। चाचा क्या नाम है इसका? मलाइयो मक्खन, दौलत के चाट भी। देखिए मलाइयो मक्खन है, आज तक कभी ट्राई तो किया नहीं है, पहला बार इसको ट्राई करने जा रहे हैं। खाली है, ठंड भर मिलेगा, ठंड भर मिलेगा, गर्मी और बारिश में नहीं, गर्मी और बारिश में नहीं मिलता, गर्मी और बारिश में नहीं मिलता, सिर्फ ठंड भर में मिलेगा। वही कारण से सारा मंदिर भी देख लिया है, इसको भी चख के देखते हैं। स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है इसका, स्वाद बहुत बढ़िया है इसका। ये खाने के बाद दूध भी मिलता है फ्री पैसे का, मलाइयो खाने के बाद दूध भी मिलता है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, मलाइयो अगर आप लेंगे तो आपको दूध मिल जाएगा। मलाइयो ले हो गया, दूध जो है देखिए दूध का मिलता है, दूध का भी स्वाद जो है एकदम अद्भुत है, कमाल का है। इसको खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो विंध्याचल आप जब भी आए विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करिए, और दर्शन करने के बाद एकदम बगल में ही यहाँ पर देखिए मलाइयो मिलता है, ये बगल में दुकान है, यहाँ पर आके जरूर टेस्ट करिए। हम लोग तो यहाँ पे मलाइयो ले लिया और आगे आप चल रहे हैं। तो फाइनली देखिए हम लोग का विंध्याचल घूमना जो था हो गया, और अब जो है समय हो गया है और हम लोग को निकलना पड़ेगा बनारस के लिए। बस जो है लगा हुआ है यहाँ पे और फटाफट बस खुलने वाला है, चलिए चलते हैं बस के अंदर। तो फाइनली बस जो है विंध्याचल से खुल चुका है, अब आप लोगों से सीधा मिलते हैं बनारस पहुँच के। तो वाराणसी स्टेशन से हम लोग ऑटो पकड़ के गोड़वलिया चौक पे आ गए, घरौलिया चौराहा से जो है पैदल चलते चलते हम लोग फिलहाल घाट में, ये मीर घाट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, फिलहाल घाट के पास पहुँच चुके हैं। अब जो है ना फ़ोन चार्ज है ना कुछ भी चार्ज है, ना लैपटॉप चार्ज है, जाके अभी तुरंत चार्ज भी लगाना पड़ेगा, और थोड़ा खुद को भी चार्ज करते हैं। उसके बाद कुछ देर में लगभग आधा एक घंटा में निकलते हैं फिर से और दिखाते हैं आप लोग। फिलहाल जो है चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं आप लोगों से एक घंटा के बाद, थोड़ा आराम करते हैं। तो 2 घंटा आराम करने के बाद अब समय आ गया है बाहर निकलने का और बनारस का रात दिखाने का। कैसे हैं अंकल? 15-20 वो दीजिए, 160 रख दीजिए।
दोपहर में आराम करने के बाद अभी शाम का समय हो चुका है और निकल चुके हैं हम लोग बनारस घूमने के लिए। आज अंतिम दिन है हमारा यहाँ पे, सोचे क्यों ना जो जो चीज़ बच गया है वो भी ट्राई किया जाए। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, लस्सी हाथों में है और अभी टेस्ट ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि लस्सी का क्या स्वाद है। बनारस का लस्सी के बारे में जितना सुने थे उससे कई ज़्यादा इसका टेस्ट जो है बहुत ही बेहतर है, लाजवाब टेस्ट है एकदम। कितना कितना दाम है बता दो। 15 है 20 है 30 है 15 20 30 छोटा वहाँ मीडियम। दुकान पे आदमी लोग आएगा उसके लिए कुछ एड्रेस बता दीजिए ठीक से। पास फाटक लस्सी बार यहाँ पर आइएगा, अलग अलग तरह आपको लस्सी जो है अलग अलग दामों में मिल जाएगा। कैसे है भैया? 15 20 15। तो ये देखिए बनारस का फेमस खस्ता कचौड़ी मिल रहा है यहाँ पे, तो भैया खस्ता कचौड़ी बना रहे हैं यहाँ पे हम लोगों के लिए। देखिए एकदम क्या क्या पड़ रहा है इसमें, अब देखते हैं इसका टेस्ट करके क्या आनंद आता है इसमें। तो लस्सी पीने के बाद अब बारी है खस्ता कचौड़ी का। तो खस्ता कचौड़ी हाथ में और अब सोच रहे इसको पेट में डाल लिया जाए। खस्ता कचौड़ी जो ये आप देख रहे हैं ये ज़रूर ट्राई करिए। खस्ता कचौड़ी नाम और खाना ये बहुत मज़ेदार है, तीखा वाला फ्लेवर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे, खट्टा खाते खट्टा वाला फ्लेवर मिल जाएगा। तो उसका आनंद लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अगले दुकान पे। मकान लेते रहिए, बाबा का प्रसाद पटना लेते रहिए सब लोग। सारा ट्राई करने के बाद अब अंतिम में जो है पान का बारी आता है। तो बनारस और पान नहीं खाया ऐसा कैसे हो सकता है। तो बनारस से निकलते निकलते जो है पान खाना बाकी रह गया था, तो वो भी पूरा कर लिया। तो अब आएगा कैसे आएगा कुछ बनने पहले कितना वैरायटी का पान बेचते हैं आप? 10 का है 20 का है 30 का है 30 का स्पेशल है, 20 का नॉर्मल है और 10 का है सादा मिला है। ओनली पान बेचते हैं? ओनली पान, सिर्फ पान। कितने साल से बेच रहा है पान? 100 साल को ऊपर हो गया। कितना? 100 साल 100 साल 100 साल पुराना दुकान है, 100 साल ऐतिहासिक दुकान समझिए। चलिए आगे और जाते हैं और ऐसे ही मजा ढूंढते हैं। पान खा कर निकल गए हैं होटल की तरफ। अपना जो भोजन है, एक मिनट रुकिए, हाँ तो पीक फेंक लिया है और क्या, भोजन जो अपना भोजन भी ले लिया है पकड़िए संग में, क्योंकि होटल में बहुत भीड़ रहता है, इस कारण से होटल पे अभी तक एक दिन भी खाए नहीं है। और यहाँ सब जा रहा सीधा होटल की तरफ। और यहाँ का जो फेमस होता है प्रसाद के रूप में लाल पेड़ा, तो लाल पेड़ा भी ले लिए हैं, 400 रुपये किलो पड़ता है। पेड़ा का क्वालिटी कैसा है वो हम लोग भी नहीं देखे हैं, अभी होटल में जब खोलेंगे तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। बनारस से जा रहे हैं और यहाँ से ना ले पेड़ा तो आदमी गड़ियाएगा ही ना, वही कारण से ले लिए हैं। चलिए होटल में घाट के पास, घाट का सीन देखना आपको रात का, क्योंकि तो होट देखिए तो पान खाए करेगा। चलिए आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए बनारस का रात का नज़ारा किस प्रकार का है। समय हो रहा है अभी 9:30 और 9:30 बजे देखिए सब सो गया, पूरा शांति शांति एकदम, नाव वो सब बंद है। आई देखिए आप लोग को यहाँ पे चांद भी दिख रहा होगा। चांद क्या दाना? एक बगल में चांद होगा एक बगल में सीपिया। वैसे एक बात का बड़ा दुख है, बनारस से कुछ ही दूरी में एक वो जगह है जहाँ पे गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट हुआ था, उसको जा नहीं पाए बताइए, बहुत होता है। लेकिन अगला वर्ष जाएंगे ना जाएंगे ठीक है, फिर तक ले जाता। चलिए गाना भी सुना दिया सबको, चलते हैं होटल का। फाइनली जो है देखिए घाट का सफर खत्म हुआ, होटल के अंदर आ गए हम लोग, खाने का पैकेट रखा हुआ है। खाने से पहले जो है देखिए आपको लाल पेड़ा दिखाना था ना, लाल पेड़ा दिखाते हैं। तो ये रहा बनारस का प्रसिद्ध लाल पेड़ा। देखिए इसको खोलने में जो है कितना समय लगाया जा रहा है, खुल नहीं रहा लेकिन। तो देखिए फाइनल जो सेलोटेप है उसको उखाड़ने में लगभग 1 घंटा का समय लगा है, और 1 घंटा का समय लगने के बाद ये लाल पेड़ा दिखने वाला। चलो भाई उठाइए पर्दा, ये है लाल पेड़ा। ओहो देखने में एकदम खतरनाक लग रहा है, देखिए थोड़ा सा चक के देखिए क्या। हाँ तो देखिए इतना सा पेड़ा लिए हैं, लाजवाब। दांत फंस गया पेड़ा, हम साफ करके काठी करके निकाल करते हैं।
और जो ब्लॉग है इसको यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। बस आज ये अंतिम रात है, मतलब मेरा अंतिम रात नहीं, बनारस में आज अंतिम रात है। कल सुबह निकलेंगे हम लोग 6 बजे वाराणसी स्टेशन जाने के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग दरभंगा। जिया हो बिहार के लाला, गाना जोर से नहीं गाएंगे क्योंकि अगल में और बगल में तमिल फैमिली है। सुबह से लेकर के अभी रात हो गया, खाली एन ला तंडला तमिल कोट्टयम चल रहा। चलिए ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब मार दीजिए चैनल को, वीडियो को यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फैला दीजिए, क्योंकि फैलाने में पैसा नहीं लगता है। और बोलना चाहेंगे हर हर महादेव शिव शंभो, बाबा आप लोग का कल्याण करे एकदम, साथ में हमारा भी आप लोग कल्याण करते रहिए, बाबा का हाथ ऊपर सबके, 50 रुपया दीजिए, ऐसा नहीं कहेंगे। वीडियो को ख़त्म करते।